आदरणीय हंसराज जी, आदरणीय श्री प्रदीप आशीर्वाद जी, जिनका बड़ा स्नेह मिलता शुरू से ही रहा है, जब से मैंने गाना शुरू किया तब से बहुत आशीर्वाद इन्होंने मुझे दिया है। आदरणीय संजीव मित्तल जी और तमाम आप सब लोग, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आप सबके बीच में जुड़ा हूँ आप सबसे, और आप सबके बीच में जो पूरा लाइव प्रसारण है शाम नगर से चल रहा है, तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इतने लोग देख रहे हैं घरों में, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कहीं मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूं और बाबा के चरणों में सभी जितनी भी जो दिल्ली धाम की जो पूरी टीम है, जिसका छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, इसके लिए मैं बहुत भगवान से कृपा करता हूँ कि मौका मुझे भी मिला। आदरणीय सतीश चाचा वजूरदार थाली बनाए, इनके लिए भी हमारी दिल्ली की शान है सतीश चाचा। हाँ, ये बिल्कुल एक बड़ा प्यारा स्वभाव उसके बाद जैसी ठाकुर की मर्जी, और शायद आज ये भाव कहने में कोई गुरेज भी नहीं करना चाहिए। कहें मेरे शाम, मेरे शाम प्यारे, जो हारी पी के संग, जो जीती तंगी तंगी प्यारे, जो हारी हम दिल्ली वालों का कितना सपना था कि ऐसा धाम बन जाए। हंसराज भैया 8, मुझे याद है ये तारीख, 8 दिसंबर को बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। 10:55 पर उसका जन्म हुआ, और 11 बजे मेरे पास मेरे मित्र हैं गगन गुप्ता, उनका फोन आया। फोन आपने कहा कि आज तेरे को बस की बना लो। आप सोचिए 10:55 पर मुझे वो न्यूज मिली, और 11 बजे उनको फोन आया फिर डस्टी बना रहा हूँ तेरे पेपर भेजने। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ कह ही नहीं पाया। मैंने कहा ये बात अच्छी है प्रभु, ऐसा समय चल रहा है और इस समय में आपने बचा के रखा है, डॉक्टरों से तो देने से अच्छा है कि भगवान की सेवा में लग जाए। तो डॉक्टरों को देने से अच्छा है, और ये बात सच है जो नेक कमाई में से जो निकल गया, और अपना तो सारा मिलता ही इससे, अपन तो क्या दे रहे हैं, आपका दिया आपको ही दे दिया वापस, तो मैंने क्या किया। वो तो आपकी महानता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम और मेरा नाम हो रहा है। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता ना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता ना, अपने मन की मैं
रंग दिया है रंग दिया है दिलगीरों अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम सांसों की माला पे सिमरूं और सबके सामने बोल सकते हैं कोई शर्म नहीं है। वो तेरी रहमतों का किस्सा तेरी सरे शाम चल रहा है तेरी रह सरे शाम तेरी रहमतों का किस्सा सरे शाम चल हमारे हंसराज भाई बैठे हैं। कलाकार की अगर बात करी जाए ना कलाकारी की, तो मैं पूरे शाम जगत में मैं बोल सकता हूँ 0.0.0.1% में नहीं है कलाकार। कोई एक आध आदमी होगा पूरी नॉलेज सच्चाई। मैं इंसान भैया के पास गया, ऐसे ऐसे कलाकार बनाए उन्होंने कि आप वहाँ जाने के बाद जब भैया आपको प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जब आपको आपके मन की बात करते हैं, आपको जो करना है करो, तो ऐसा अच्छा लगता है कि अपन सोचते हैं अपने पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी अगर भैया आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये इसकी कोई कृपा है तभी दे रहे हैं, लेकिन अपने पास ऐसा कुछ नहीं है। ये तेरा कोटा सिक्का सरेआम कौन कौन मानता है ये बात जरा मुझे बताओ एक बार कि प्रभु इस लायक नहीं था लेकिन आपने कृपा खूब करी। आओ दोनों हाथ खोलकर वंदो रे बोल Thank you.
जाओगे जैसी कुछ कैसे रोक मुश्किल हो जाओगे जैसी मुझ कैसे रोक मुश्किल हो जाए जैसी कुछ कैसे रोक बोलो ये मेरा काठवाला मेरे साथ चल रहा है सबको मेरी तरफ से प्रणाम जय श्री राम। कोई शांत करे जी।